गाइस आ चुके भाई वापिस अपने होटल पे। और जो होटल से भाई हमारा जो व्यू दिख रहा था सनराइज का, या फिर अभी बोलो क्या तगड़ा धूप आ रहा था भाई, अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की ठंड में इतना तगड़ा धूप मिल रहा था भाई, बहुत मजा आ रहा है। एरे अपने सारे सामान भाई, फोन ओन, और ये चेक कर भाई कितना तगड़ा धूप दिख रहा है होटल से। तो जो अपना होटल का भाई व्यू पॉइंट है ये भी एक नंबर का था, लोकेशन नो डाउट भाई, सारी चीज़ें यहाँ से दिखती है। चाहे यहाँ का आप माउंटेन्स देख लो, यहाँ से सनराइज दिखा था, यहाँ पे अभी भी इतना तेज धूप निकलना है। अभी चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं, देन यहाँ से निकलने का प्लान अपना, सीधा जाएंगे ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश हरिद्वार, जो जो अच्छे पॉइंट है एक्सप्लोर करेंगे। A few inches later. हमने यहाँ पे सारा सामान रेडी कर दिया है, अपना पैनियर हो गया, यहाँ पे बैग्स है, ये अपने गार्ड से जो पहन के आए थे, गोप्रो भी चार्ज कर लिया, फ़ोन यहाँ पे लगा पड़ा चार्ज में, फ़ोन वहाँ पे लगा चार्ज में, सारा कुछ रेडी है, हेलमेट एरा अपना, जैकेट एरा, और हम भी गाइस रेडी है बिल्कुल निकलने के लिए भाई, नहा धो के। तो ये लो भाई आ गया अपना ब्रेकफास्ट, चाय, सैंडविच विद भाई, जो धूप लग रहा है ना हल्के हल्के, बड़ी मस्त है, गर्म गर्म। फाइनली आप चेकआउट करते हैं, सामान मैंने बाहर निकाल लिया, और बाहर जो क्लाउडी वेदर हो रहा है भाई, ये चेक करो, ये अपना पैनियर, हेलमेट, और हम भी रेडी है फुल। बेताल की चाबी भी ले ली है, चाबी गया लेकिन चलो इसमें ही होगा, चाबी तो होगा, बट ये देखो भाई कितना ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है, बिल्कुल फ्लो कर रहा क्लाउडी। अभी चेक कर लो भाई, ये लास्ट व्यू है यहाँ का, क्योंकि हम चेकआउट करने वाले होटल से, देन आपको इससे और अच्छे अच्छे और डिफरेंट लोकेशन दिखाने वाला हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश। तो गाइस चेकआउट कर दिया भाई, अभी हमने होटल से 10:10 हो रहा है, और पैनियर भी लगा दिया बेताल के ऊपर, बस अच्छे से फिट हो जाए, फिट तो है ही है। तो अभी यहाँ से निकलना अपने को सीधा ऋषिकेश, जो कि डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से 1 घंटा कुछ 3 मिनट दिखा रहा था, यहाँ से भाई 2 घंटा 20 मिनट लगेगा, देखो 76 किलोमीटर, और प्लस कर्विंग है तो भाई लगने वाला है इसके अंदर टाइम, लगभग 2-3 घंटे अपने को लगेंगे, 3 घंटा मान के चलो। और एरी बेताल भाई सुबह सुबह इन दोनों गाड़ियों पे क्या ओस पड़ रखी थी, लेकिन अभी भाई ना सारा ओस सूख गया, तो हमने हल्का हल्का कपड़ा मान लिया लगभग, तो इससे ही काफ़ी अच्छे तरीके साफ़ हो चुका है। कल रात से भाई बेताल खड़ी पड़ी थी यहीं पर, और इतना कम टेम्परेचर था ना भाई, लगभग मिनिमम मान लो यहाँ पे गया 16 डिग्री, हाँ 16 डिग्री गया, 16-17, तो काफ़ी ठंडी होगी भाई, इसको करते कोल्ड स्टार्ट, डबल स्टैंड लगाना तो अभी मुश्किल हो जाएगा, पैनियर के साथ बैठ जाता हूँ इसके ऊपर, डन करते कोल्ड स्टार्ट, फिर लिख लेंगे। चलो भाई ये फर्स्ट सेल्फ होगा बेताल का, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किक से स्टार्ट करो, सेल्फी लगा सकते हो। ओहो तो भाई फाइनली अभी हो रहा, देखो कोल्ड स्टार्ट, तगड़ा साउंड कर रहा भाई इंजन इसका। और फ्यूल की बात करते भाई, फ्यूल चेक करो भाई, अभी भी 4 इंडिकेटर है, और अभी तक गाड़ी हमने चलाई है बेताल को ट्रिप ये दिल्ली से 324.9, तो ये मान लो 325 किलोमीटर चला दिया, अभी दिल्ली वापस जाना बाकी है, अभी ऋषिकेश घूमना जाता है, 600+ आराम से कर जाएगा मेरे हिसाब से, है 325 हो गया किलोमीटर, बहुत 25 हो गया ट्रिप, अभी ऋषिकेश बाकी है, अपना हरिद्वार दिल्ली वापस जाना बाकी है, 600+ नहीं जाएगा आराम से, 600+ तो आराम से होगा, आराम से होगा, क्योंकि हम यहाँ से एग्जैक्ट दिल्ली की बात करें तो 272 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली का दिखा रहा भाई डिस्टेंस। तो भाई देखो कब से इंजन ठंडा था, तो अभी तक भाई कोल्ड स्टार्ट इसका हो रहा है, स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करो, निकलते हैं फिर, अब नॉर्मल हो चुका वाइब्रेशन भाई इसके अंदर, एक पार्ट भूल गया, रुकना रुकना, याद आया भाई इसके वाइब्रेशन, इतना साउंड आ रहा ना, एक चीज़ दिखाना भूल गया था, ऑफ रोडिंग इतनी की पहले भी ये पार्ट ना ढीला हो गया था इसका, जो एग्जॉस्ट का है ना यहाँ पे दिखाता हूँ भाई, पाइप इसका बहुत ज़्यादा हिला था, इससे इतना खटर पटर का साउंड आ रहा ना ये वाला पार्ट, ए रहा देखो यहाँ का ना ढीला हो गया ना, तो ये इतना हिला, देखो देख रहे हो कितना साउंड कर रहा था, इसको भाई टाइट करते हैं, टूल बॉक्स लाए वैसे भी हम, अभी नहीं पता टूल बॉक्स है कहाँ पे भाई साहब, पूरा खोलना पड़ेगा भाई, सर्दी तो गाइस लग रहा है, इरा टूल बॉक्स इरा भाई, बस मेरे को इसका प्लास चाहिए, कस देना इसको इरा, क्योंकि ढीला हो गया ना भाई, इतना साउंड कर रहा ना ये देखो कितना ढीला है, टाइट हो जाए एक बार, साउंड नहीं आएगा। ओह चलो भाई ये वाला काम भी अपना हो गया, अच्छे से टाइट कर दिया, अब देखो किसी टाइप का साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड भाई इतना ज़्यादा आ रहा था ना, पर सब पहाड़ों में गड्ढे वड्ढे हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, इसलिए गाइस रात को मैंने टूल बॉक्स भाई ऊपर रख लिया था, कि सुबह जाते सबसे पहले ये काम करेंगे, डन निकलेंगे। चलो ये काम भी फिक्स हो गया अपना,
करते हैं पैक, कोल्ड स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पे भाई हम होटल पे रुके पड़े थे भैया एरे, और होटल का नाम अपना मसूरी में द मॉडर्न करके एरा पूरा एड्रेस, काफ़ी सही होटल है, स्टे ले सकते हो। लेट्स मूव गाइस, लेट्स मूव। बेताल बिल्कुल रेडी है, एयर प्रेशर ठीक है ना। एक बार ऑलॉय व्हील भी देख लो भाई, बहुत गड्ढे आ रहे थे, क्या पता चला बैंड बैंड हो गए वो। ठीक है पीछे वाला पहिया, आगे वाला भी चेक कर लूँ। ठीक है इस साइड से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई बीच बीच में कभी कभी ऐसे गड्ढे आते ना, गाड़ी बिल्कुल चले जाती है, और हमें लगता है कि भाई काम हो गया, बट स्ट्रॉन्ग है भाई, इसके अलावा बिल भी स्ट्रॉन्ग है। चलो गाइस, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, लेट्स मूव। भाई बहुत ही अच्छा लोकेशन था सूरी, हम रुके एक्सप्लोर किया, फर्स्ट टाइम का गाइस एक्सपीरियंस था भाई, एक नंबर लोकेशन। यहाँ के भाई जो कुत्ते हैं ना भाई, इनके फर इतने अच्छे हैं, बड़े बड़े बाल हैं ना भाई। लोकेशन और वेदर के हिसाब से हर चीज़ें होती हैं। यहाँ का पेड़ देखोगे तो भाई बिल्कुल खड़ा पेड़ है, जैसे कि पहाड़ी पर होना चाहिए, स्नो जमे ना, घर का सेब भी वैसे है कि बर्फ स्लो करके निकल जाए। देखो क्लाउड भाई क्या वेव कर रही भाई, बह रहा मतलब बादल बह रहे भाई, यहाँ पे ही हाल है। नीचे का जितना आपको क्लाउड दिख रहा ना, सारा का सारा भाई अपने को दिख रहा था, बट अभी इतना ज़्यादा क्लाउड आ गया ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। बट इससे पहले भाई नीचे का सारा एक एक घर दिख रहा था, ये देखो इतना ज़्यादा क्लाउड है भाई, दिख ही नहीं रहा, वरना तो भाई अच्छे से विजुअल हो रहा था। यहाँ वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। पैन नहीं आ रहा तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने को। जाम देख रहे हो, सिर्फ यहीं तक का जाम है, जो गोल बत्ती है गोल चक्कर है ना, बस यहीं तक का जाम था, अब नहीं है। आगे इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से चलो। तो ये गाइस है मेन भाई मार्केट, जहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होता है, और यहाँ से व्यू पॉइंट है, नीचे जाएंगे सीधा हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। ये यहाँ पे हम रात को 11 बजे घूम रहे थे, 10-11 बजे भाई साहब बहुत ही कम बंद है, ट्रैफिक के तो कोई चीज़ ही नहीं है। दोपहर में तो गाइस आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा भाई, बस यहाँ से निकले तो आपको कहीं भी ट्रैफिक अब नहीं मिलेगा। आज हो सकता थोड़ा ज़्यादा मिले, क्यों, क्योंकि आज है सैटरडे, और कल तो भाई और भी ज़्यादा होगा क्योंकि कल है अपना संडे गाइस। भाई अगर रश डे पे आओगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिलेगा, बट फाइनल गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से, देहरादून सामने, हरिद्वार सामने, ऋषिकेश भी सामने। ट्रैफिक है क्या यहाँ भी भाई, देख रहे हो दो तरफा गाड़ी आ रहा ना, लेन में चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आप लोग ट्रैफिक छोड़ो भाई, ट्रैफिक को मारो गोली, और ये जो बादल भाई फ्लो करके उड़ रहे हैं हवा में, देखो ये जो धुएं की तरह उड़ रहे हैं ना भाई, मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि भाई कहीं धुआं निकल रहा है, लेकिन गाइस ये बादल उड़ रहे हैं भाई, बादलों के बीच हम भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बसें, सोचो हमें स्कूटी निकालने में दिक्कत हो रही है, फॉर्चूनर बस चल रही है। 10 मिनट से जाम में फंसे हुए थे, देखो सारे बंदे रुके पड़े हैं, इतना तगड़ा जाम हो गया था ना कि 10 मिनट से खड़े हैं, उस समय से धूप भी नहीं थी, जब हम खड़े हो गए तो भाई धूप पूछो मत, जब से धूप ही लग रहा था। और फिर से गाड़ी खुली है तो यहाँ से भाई फिर से ठंड, अलग मौसम आ रहा है, गलत मौसम गलत समय पर। रतन भाई बोला मैं निकल जा, मैं बोला भाई मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास पैन नहीं है। बट गाइस 20 से भी नहीं निकल सकते ना, देखो 20 से नॉर्मल स्कूटी नहीं निकल पा रही, क्यों, क्योंकि भाई बसें भी तो ऐसी बड़ी बड़ी, देखो कहाँ जगह है, जब वो नहीं निकल पा रही तो अपनी बेताल तो भाई भूल ही जाओ, पैन के साथ गाइस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्राई भी नहीं करना चाहता, होपफुली अब जाम ना मिले भाई, क्योंकि वो पीक पॉइंट है इसलिए जाम था, लेकिन क्या देखने को मिल रहा भाई, गाड़ी तो लाइन से खड़ी है यार, मतलब ट्रैफिक है गाइस, ट्रैफिक है। ओ माय गुडनेस, क्या व्यू दिख रहा भाई, अल्टीमेट व्यू गाइस, चेक करो भाई पूरा ऊपर तक का वेदर भाई। यहाँ फॉग ऐसे उड़ रहे हैं ना, बादल ऐसे उड़ रहे हैं गाइस, जैसे दिल्ली में धुआं उड़ता, बस इतना फर्क है, दिल्ली में धुआं उड़ता है, इधर भाई बादल चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बाकी आप लोग समझ गए। बिना चलाए गाड़ी की स्पीड भाई 40 चले जा रही, इजली ब्रेक ना मारो तो भाई और चले जाएगी,
देखते कहाँ तक जाती है बिना स्टार्ट किए, क्योंकि अपना पेट्रोल सेव हो रहा ना, वैसे पेट्रोल ज़्यादा ख़त्म हो गया घूम घूम के मसूरी में। ए बाबा, आज तो भाई दूध वाले अंकल के पीछे पीछे चलेंगे हम। भाई गड्ढे वड्ढे भी है। आप लोग अभी आने की सोच रहे हो मसूरी तो आ जाओ, क्योंकि जितना क्योंकि जितना लेट करोगे ना उतना देखो धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है। दिल्ली में भी अंदर एक कीड़ा चले गया क्या आँख में? ए भाई चलो नहीं गया, बच गया। हाँ तो मैं क्या बोला था कि दिल्ली में भी आपको फील हो रहा होगा मॉर्निंग में और रात को हल्की हल्की ठंड लगती है, तो जितना डिले करोगे भाई, अभी अक्टूबर चल रहा है नवंबर आ जाएगा तो सर्दी भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की मिलेगी आपको, जो कि रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गर्म कपड़े लाना तो भाई भूलना ही मत, फिर मत सोचना कि सिंगल सेट में आप लोग घूम लोगे, हालत पतली हो जाएगी, ख़राब से ख़राब हो जाएगा सोच लेना। तो कपड़े साथ में लाना भाई आपका मस्ट, गर्म कपड़े लाओ, चाहे एक दो जैकेट लाओ, एक जैकेट लाओ ना बढ़िया वाली, उससे ही काम चल जाएगा आपका। अभी की बात कर रहा हूँ, जितना लेट आओगे सर्दी के कपड़े उतने बढ़ा लेना आप लोग अपने हिसाब से। देखो दूध वाले भैया भी निकल गया बात करने के पीछे पीछे, बट ये है कि आ जाओ। और दो दिन जैसे अपना हो गया, सैटरडे संडे आओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा रश मिलेगा, और जितना अगर आप और नॉर्मल डे पे आते हो तो भाई आपको होटल्स अच्छे मिल जाएंगे कम रेट में और भीड़ भी कम मिलेगी। और जहाँ पे मैं रुका था गाइस वहाँ का मैं आपको एड्रेस याद पड़ेगा तो भाई पक्का दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर फोटो लगा दूंगा मैं होटल का। होटल भाई बहुत ही बढ़िया था भाई, हरिद्वार भी यहाँ से सीधा, देहरादून सीधा, दिल्ली भी सीधा, इसी टनल से होते हुए आए थे जहाँ तक मुझे याद है। ये टनल नहीं है, पूरा अंदर ब्रिज टाइप का है। धनौल्टी कौन सा होगा वाला ऊपर वाला? धनौल्टी ऊपर वाला होटल वाले ने रिकमेंड किया, धनौल्टी होते हुए जाओ आपको बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा। और वहाँ से भाई अपना क्राउड भी नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता है, तो धनौल्टी होते हुए जाएंगे जो कि है ऊपर। तो ये वाला रास्ता भाई अपना धनौल्टी चंबा, देखो तो यहाँ से होते जाए। हम आए तो वैसे देहरादून से ही थे क्योंकि देहरादून भाई मेन सिटी है, तो वहाँ पर अपने को ट्रैफिक दबा के मिलता है, इसलिए ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, नया है, एक्सप्लोर भी नहीं किया। धनौल्टी भी देख लेंगे भाई कैसा है। ये देखो क्राउड भाई बिल्कुल नहीं है यार, आज भाई बादलों के बीच में गाइस बेताल राइड कर रहा है। बेताल ने एक और माइलस्टोन सेट कर दिया यहाँ पे कि भाई इसने मनाली राइड भी कंप्लीट कर लिया। धीरे धीरे करके गाइस इसको जहाँ पॉसिबल हो पाएगा, आप लोग जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना इसको हम घुमाएंगे। बेताल भी भाई बोले आगे चलो अच्छे हाथों में आएगा, क्या बोलते भाई? भाई एक सब्सक्राइबर भाई वो भी बोले तो नई नई जगह एक्सप्लोर करो, जो कि भाई अनिकेत ब्लॉग्स का क्या भाई है, तो लो भाई आपके लिए और जितने भी हमारे भाई लोग बोलते हैं, जितने सब्सक्राइबर भाई सभी के लिए हम न्यू जगह एक्सप्लोर करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो हो सके किया करो, बस सपोर्ट करो जैसे कर सकते हो, अपना सपोर्ट दिखाया करो, बस यही चाहिए। अब बाकी तो हम कर ही रहे, देख रहे हो रास्ता कैसा भाई, ये जितना भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये सारा चीज़ आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ भाई। कहीं ना कहीं मेरा सपना ही था कि ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, तो भाई आज वो लोग पूरा हो रहा ना, बस प्यार सपोर्ट यही सब है। और यहाँ से भाई व्यू चेक करो एक बार, गाड़ी रोकते अपने बेताल को। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं हम वहीं से आ रहे हैं भाई ऊपर से, क्या सही घर दिख रहा है। मैं अपनी बता रहा सही से यार, मैं अपने ऐसे कंफ्यूज करता है। चलो देखता हूँ, मैं पूछता हूँ किसे धनौल्टी कहाँ पे, ठीक है लोकल बंदे से पूछना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई ये रॉक चेक करो, तो गाइस ये रॉक देखो भाई, जो कि भाई रोड के पूरा टर्निंग लेते जा रहा है और नीचे का कुछ हाइट, ओ माय गॉड पूरा क्लाउडी है ना भाई, देखो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ दिख रहे बादल। थोड़ा और आगे चल गया तो एरिया अपनी बेताल, अरे रतन भाई ओ माय गॉड खतरनाक हाइट है भाई यहाँ से। हम अभी है लगभग वहाँ पे मसूरी जब थे 6100 फीट था भाई सी वाटर लेवल से। खूबसूरत, तो चलो निकलते एक बार पूछते भाई यहाँ का धनौल्टी कहाँ पे है, भैया लोग को पता है धनौल्टी भैया कहाँ से रास्ता? सीधा ही है, चलो थैंक यू। ये गूगल मैप ना भाई घुमाता ही रहता है, बट ठीक है लोकल से पूछ लो, सबसे बड़े मैप होते भाई।